नीलम नीली आंखों वाली एक खूबसूरत सियामी बिल्ली हमेशा अपने मालिक के बगीचे में चमकते जादुई द्वार की ओर खिंचती रहती थी। यह द्वार एक अज्ञात रहस्यमयी दुनिया की कहानियां फुसफुसाता था। एक सुबह जब सूरज की किरणें बगीचे में फैल रही थी, द्वार पहले से अधिक तेज चमकने लगा। नीलम की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई और उसने साहसिक छलांग लगाते हुए उस चमचमाते द्वार के पार कदम रखा। दूसरी ओर नीलम ने खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया जहां तैरते हुए द्वीप और चमचमाते झरने थे। हवा में जंगली फूलों की खुशबू थी और आसमान रंग बिरंगे बादलों से भरा हुआ था। नीलम ने घूमते हुए एक छुपा हुआ गांव खोजा जहां अलग अलग आकार और रूप वाली बिल्लियां रहती थी। वहां की बिल्लियों ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके नेता एक रॉयल टबी बिल्ली जिसे एल्डर पो कहा जाता था ने उसे नमस्ते किया। एल्डर पो ने समझाया कि नीलम ने गुप्त दुनिया में प्रवेश किया है जो बिल्लियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है, लेकिन यह दुनिया अब खतरे में है जिसे शैडो फेंग नाम की एक काली शक्ति ने घेर लिया है। एल्डर पो के अनुसार इस दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका हार्मनी क्रिस्टल को वापस लाना है जो इको गुफा की गहराई में छुपा हुआ है। नीलम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वह साहसी और फुर्तीली थी। नक्शे और कुछ साथी बिल्लियों के साथ नीलम ने अपनी यात्रा शुरू की। यह रास्ता खतरों से भरा था। संकरी पुलियां, धुंध से ढकी घाटियां और चमकते पौधे जो जीवित प्रतीत होते थे। इको गुफा के पास पहुंचने पर समूह ने शैडो फेन के अनुयायियों का सामना किया। काले धुंधले जीव जिनकी चमकती लाल आंखें थी। नीलम और उसके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और आगे बढ़ते गए। गुफा के अंदर नीलम ने खुद को ट्विस्टिंग सुरंगों की भुलैया में पाया। दीवारें अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं और हर आवाज बार बार गूंज रही थी। अपनी तेज बुद्धि का उपयोग करते हुए नीलम समूह को गुफा के केंद्र तक ले गई। गुफा के केंद्र में हार्मनी क्रिस्टल एक वेदी पर रखा था जिसकी रोशनी अंधेरे को दूर कर रही थी। जैसे ही नीलम उसे लेने के लिए आगे बढ़ी, शैडो फेन प्रकट हो गया, एक विशाल भूतिया पैंथर जिसकी चमकती लाल आंखें थी। नीलम एक छलांग में उसने क्रिस्टल को पकड़ा और उसे ऊंचा उठा दिया। उसकी चमकदार रोशनी ने शैडो फेन को मिटा दिया और इस गुप्त दुनिया में फिर से शांति स्थापित की। क्रिस्टल के साथ नीलम गांव लौट आई जहां बिल्लियों ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। इस गुप्त दुनिया की खूबसूरती फिर से बहाल हो गई और नीलम को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया।